भैया कैसी रही कल? जीते नहीं जीते, एक और मैच जिता दिया तुम्हारे भाई ने तुम्हें। तो भैया ऐसा है कि कुछ हमें भी दे दिया करो। चलो कोई नहीं, सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं बताने वाला हूँ कल के मैच का, तो भैया वीडियो देखना पूरी। और कल भी जीतेंगे लबालब एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है कल के मैच की। तो जैसे ही कल आप सबने देखा ही है कि राजस्थान ने दोस्तों एक जबरदस्त मैच जीता। जैसा कि मैंने भी तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि भैया कल जो है राजस्थान जीत जाएगी। तो जिसने भी अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो भैया लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, तो जाके देख लो। कि भैया पहले ही बता दिया था राजस्थान जीतेगी, पर इतना भयंकर जीतेगी ये तो मुझे भी नहीं पता था। एक तरफा मैच चल रहा था, डीसी एकदम पूरी चढ़ी हुई थी, शुरू से ही विकेट टू विकेट चल रहे थे और विकेट पे विकेट गिर रहे थे। पर भैया लास्ट में जो हुआ वो तो भैया आंखों पे अपने विश्वास करने वाला ही भी नहीं था। पर जो भी है, आरआर ने यहाँ से अपनी रजिस्टर कर ली पहली विन, और दो मैचों में दोस्तों उनकी हो चुकी है एक एआई, एक हार एक जीत। तो ये थी दोस्तों आज की पहली न्यूज। दूसरी न्यूज जो निकल के आ रही है वो भी आ रही है राजस्थान की तरफ से, जो कि आ रही है क्रिस मॉरिस की तरफ से। तो भैया क्रिस मॉरिस ने बता दिया है कि वो क्यों हैं इतने महंगे, इस बार के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी क्यों हैं। उन्होंने भैया कल दिखा दिया, आखिरी के दो ओवर में जो है मेरे ख्याल से 28 या 30 रन चाहिए थे और ओवर बचे थे, वो भी इंटरनेशनल बॉलर्स के। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा इंडिया का छोटा मोटा बॉलर था, सब थे तगड़े इंटरनेशनल वाले। और उन्होंने दो ओवर में 28 या 30 रन मार के मैच जिता दिया डीसी को, नहीं आरआर को। तो भैया वो उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि वो क्यों हैं सबसे महंगे। तो ये थे क्रिस मॉरिस, अब इन पर विश्वास करना, क्योंकि संजू सैमसन ने पिछले मैच में भैया विश्वास ना करा था इन पे। उन्होंने कहा भैया मैं ही करूंगा जो भी करूंगा। तो मुझे लगता है कि क्रिस मॉरिस एक बहुत ही बड़ा नाम होने वाला है इस आईपीएल में। तो दोस्तों जो तीसरी न्यूज जो निकल के आ रही है वो आ रही है बीसीसीआई की तरफ से। तो दोस्तों बीसीसीआई का जो इस बार का जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें भैया कुछ के लिए अच्छी खबर आई है और कुछ के लिए आ गई है बहुत ही ज्यादा बुरी वाली खबर। तो जो पहले अच्छी है बुरी, पहले बुरी से शुरुआत करें तो बुरी खबर जो आई है वो आई है केदार जाधव के लिए और वह मनीष पांडे के लिए। तो दोस्तों बीसीसीआई ने जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट इस बार का इनका नाम नहीं लिया है, या फिर ये कहें कि इस बार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो शायद यह है कि ये कहें कि तोड़ दिया है, तो थोड़ा सा इनके थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे ये तो। पर जो अच्छी खबर आ रही है वो आ रही है सुमन गिल के लिए, और दूसरी जो खबर आ रही है वो आ रही है मोहम्मद सिराज के लिए। तो इन दोनों का नाम जो है बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ चुका है इस साल। अब ये हो गए उनके मेन खिलाड़ी बीसीसीआई के, और जो बीसीसीआई का ए प्लस ग्रेड है उसमें रहेंगे सिर्फ तीन खिलाड़ी, जो कि हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और बूम बूम बुमराह। तो ये थी दोस्तों आज की तीसरी न्यूज। चौथी न्यूज जो निकल के आ रही है वो आ रही है आशीष नेहरा की तरफ से। दोस्तों आशीष नेहरा ने दोस्तों मनीष पांडे को कॉन्ट्रैक्ट में ना लेने के लिए एक ट्वीट किया है, जिसमें वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मनीष पांडे को। उनकी परसों की जो इनिंग थी जिसमें 39 पे 38 मारे थे उन्होंने, उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि शायद इस वजह से बीसीसीआई ने जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा इस साल। तो ऐसा कुछ कह रहे हैं नेहरा जी एक बार फिर से। और दोस्तों पांचवी न्यूज जो निकल के आ रही है वो आ रही है आरसीबी की तरफ से, या फिर ये कहें कि गौती भैया की तरफ से। तो गौती भैया जो है दोस्तों वो इस बार कह रहे हैं कि जो आरसीबी है वो इस बार खत्म करेगी टॉप फोर में। तो ऐसा जो है गौती भैया का मानना है, पर जैसे कि आप सबको पता है कि गौती भैया जो प्रिडिक्शन करते हैं वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है उसको पूरा होना। तो भैया इस बार कोशिश करेंगे, वैसे तो आरसीबी चल रही है बहुत सही, दो में से दो जीत लिए हैं, उम्मीद करेंगे कि आगे भी जीते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की टॉप 5 न्यूज़। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, जो कि है प्रिडिक्शन टाइम। तो दोस्तों यहाँ हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कल के मैच की, जो कि है मुंबई वर्सेस एसआरएच। तो दोस्तों मैच है बहुत जबरदस्त, एक टीम जीत के साथ आ रही है, दूसरी टीम हार के साथ आ रही है। एक टीम ने अपना खाता खोल लिया है, दूसरी टीम अभी भी खाता खोलने में असफल रही है। दोनों ही चाहेंगे कि यहाँ पे एक विन हो, पर जो कि मैच है कहाँ, चेन्नई में, पिच है स्पिनरों के लिए बहुत ही जबरदस्त हो रखी है, बैटिंग करना हो रखा है बिल्कुल आग पे चलने जैसा। तो दोस्तों हो जाएगा जबरदस्त मैच, स्पिनर है दोनों के पास तगड़े,
पर हैदराबाद के बाद जो एक नाम है वो है राशिद खान। तो वो पड़ जाते हैं कभी कभी सब पे भारी। तो मज़ा तो आने वाला है कल के मैच में, पर उसकी बात करेंगे। उससे पहले बात कर लें प्लेइंग इलेवन की। तो दोस्तों प्लेइंग इलेवन जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुंबई इंडियंस की जो होगी वो ये होगी, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इसके लिए। इसमें से कोई एक आधा ही चेंज होगा हर बार की तरह, जो इसे मैं बताता हूँ आपको, पर ज़्यादा इसमें चेंज होगा नहीं, क्योंकि मुंबई जो है दोस्तों जीत के आ रही है। तो भैया वो ना करेंगे चेंज कुछ भी, पर दूसरी तरफ जो है एसआरएच, वो शायद लगता है कि थोड़ा सा चेंज कर सकती है विलियमसन की, जहां मुझे लगता है कि जगह बन सकती है, क्योंकि उनका जो है मिडिल ऑर्डर है दोस्तों वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था। एक जीता हुआ मैच वो एक किस तरीके से एक ही ओवर में हार गए थे, किस तरीके से सारे विकेट अपने फेंकते चले गए थे। तो मेरे को लगता है कि विलियमसन को जो है दोस्तों जगह देनी पड़ेगी, तभी मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा रुकेगा, वरना तो ये ऐसे ही धड़ धड़ हो जाएंगे। तो दोस्तों ये होगी एसआरएच की प्लेइंग इलेवन। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल होने वाला है क्या, जीतेगा कौन हारेगा कौन, ये सब बताऊँगा मैं अभी इसी वीडियो में। तो दोस्तों कल जो जीतने वाली टीम है वो है मुंबई। तो दोस्तों मैच जो है मुंबई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अभी तक, जो उतनी भी न्यूज़ आ रही है और जितनी भी मेरे को लगता है, जितनी मैंने उस पिच के बारे में स्टडी की है, मेरे को लगता है कि कल मुंबई जो है वहाँ पार पा जाएगी, क्योंकि उनके पास अच्छी गेंदबाज भी हैं और अच्छी बैटिंग लाइनअप भी है। तो मुझे नहीं लगता कि राशिद खान उन पर कुछ ज़्यादा ही वो ज़्यादा ही कुछ वहाँ पे डिफरेंस डाल सकते हैं। मेरे को लगता है कि अगर वार्नर का विकेट और बैरिस्टर का विकेट अगर जल्दी गिर जाता है एक बार फिर से, तो एसआरएच एक बार फिर से मुश्किलों में दिखेगी कल भी। तो मेरे को नहीं लगता कि एसआरएच वहाँ पे जीत सकती है, पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि एसआरएच नहीं जीतेगी। मैं कहता हूँ कि 70-30 मैच है मुंबई, जहाँ तक मेरे को लगता है कल जीत सकती है। तो आप भी अब मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है, 30% वाला सही है या उससे उसके ज़्यादा चांस हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और कल मुंबई की जीत है ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि आएगी कल। तब तक के लिए इस वीडियो को कर लो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। धन्यवाद।